खबर पाली से है, जहां पर आन बान शान के साथ तिरंगा फहराया गया। बांगड़ स्टेडियम में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने ध्वजारोहण किया और इस दौरान कार्यक्रम में 93 लोगों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में दिव्यांग के सम्मान के लिए उसकी कुर्सी तक आए मंत्री जोराराम कुमावत और अधिकारी। आप सभी को मैं स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आज हमारा पूरा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। भारत एक सोने की चिड़िया थी, जहां डाल डाल पर बसती थी सोने की चिड़िया, वो भारत देश है हमारा। निश्चित रूप से विश्व का सबसे शक्तिशाली, सबसे संपन्न देश और आध्यात्मिक रूप से या सांस्कृतिक रूप से विश्व का सबसे मजबूत देश था। वहीं देश भर में स्वतंत्रता दिवस की धूम है। सवाई माधोपुर में भी हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक किरोड़ीलाल मीणा ने ध्वजारोहण किया और पुलिस परेड का निरीक्षण कर मार्च पास की सलामी ली। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने स्वतंत्रता सेनानियों का शॉल उड़ाकर सम्मान भी किया। वहीं स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस दौरान कलेक्टर, SP समेत जिले के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। और अब बात पुष्कर की करेंगे। पुष्कर के खेल मैदान में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पुष्कर SDM निखिल कुमार पोद्दार ने झंडारोहण कर सलामी दी और फिर उसके बाद पुष्कर नगर पालिका कार्यालय में अध्यक्ष कमल पाठक ने भी झंडारोहण किया। इस मौके पर नगर पालिका के अध्यक्ष कमल पाठक के साथ तहसीलदार सृष्टि जैन, पुष्कर थानाधिकारी राकेश यादव, नायब तहसीलदार नीलम राठौर, नगर पालिका उपाध्यक्ष शिव स्वरूप भी मौजूद रहे। सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं के अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के अंत में पुष्कर तहसीलदार सृष्टि जैन ने अतिथियों का आभार प्रकट किया। आप लोगों में इतनी ऊर्जा है, आप लोगों की जो परफॉर्मेंस देखे, आज इस मेले ग्राउंड का अगर हम एनर्जी लेवल मेजर करेंगे तो शायद उस में आ नहीं पाएगा, एकदम टॉपर आएगा। जो मैं फील कर रही हूँ शायद आप लोग भी कर पा रहे होंगे। मैं आप सभी से यही आग्रह करूंगी, आप देश का भविष्य है, हमें देश को आगे लेके जाना है, जहाँ पर हर व्यक्ति शिक्षित हो, स्वस्थ हो, समृद्ध हो, सबके पास रहने को छत हो, खाने को अन्न हो, इसी दिशा में हमें आगे बढ़ना है। स्वतंत्रता दिवस सभी लोगों ने पुष्करवासियों ने हर्षोल्लास से मनाया। इसी के साथ सभी के लिए यही संदेश रहेगा कि स्वतंत्रता दिवस के महत्व को समझते हुए प्रत्येक व्यक्ति अपना योगदान, जिस भी क्षेत्र में कार्यरत है उसमें अपना योगदान दे और अपना विकास सर्वोत्तर स्तर करे, जिसका परिणाम ये होगा कि देश उत्तरोत्तर नहीं। और अब बात करेंगे जयपुर की, जहां पर रिमझिम बरसात के बीच 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान पुरातत्व विभाग के निदेशक डॉक्टर पंकज धरेन्द्र ने अल्बर्ट हॉल पर झंडारोहण किया। इस अवसर पर हवा महल स्मारक के अधीक्षक सरोजनी चंचलानी, आमेर महल अधीक्षक डॉक्टर राकेश छोलक, नाहरगढ़ दुर्ग अधीक्षक सोहन लाल चौधरी और अल्बर्ट हॉल अधीक्षक मोहम्मद आरिफ समेत विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। और अब खबर पाली के सुमेरपुर उपखंड से है, जहां पर क्षेत्र के तखतगढ़ नगर में 78वां स्वाधीनता दिवस राजकीय संघवी केशरी उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में मनाया गया। इस दौरान निजी और राजकीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए। स्वतंत्रता दिवस सेनानियों को स्मरण करते हुए इस दिन पर उनकी वीर गाथाओं और उनके शौर्य पराक्रम बलिदान को नमन करते हुए राष्ट्रीय पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पाली के सुमेरपुर में 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। सुमेरपुर कस्बे के शिक्षा क्रांति रंगमंच मैदान में आयोजित हुए उपखंड स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी हरि सिंह देवल रहे। उपखंड अधिकारी ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। वहीं स्कूली छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी।
वहीं उपखंड अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले मोतीलाल सिद्धावत, राजू सावरिया, शंभुराम परमार समेत 71 लोगों को सम्मानित किया। इस मौके पर सीओ भूपेंद्र सिंह शेखावत, तहसीलदार पांचाल कंवर, विकास अधिकारी प्रमोद दवे और पालिका उपाध्यक्ष शतुर्भुज शर्मा समेत जनप्रतिनिधि और आम जन मौजूद रहे। और अब खबर बांसवाड़ा से है, जहां पर बांसवाड़ा एसीबी ने एक सप्ताह में दूसरी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बांसवाड़ा एडिशनल एसपी एसीबी के ऋषिकेश मीना ने भुगड़ा थाना अधिकारी गणपतलाल और हेड कांस्टेबल राजेंद्र माही डेम चौकी प्रभारी को 15,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा। आपको बता दें कि पीड़ित ने बांसवाड़ा एसीबी को शिकायत की थी। थानाधिकारी और हेड कांस्टेबल ने मोबाइल चोरी के झूठे केस में आरोपी बनाने की धमकी देते हुए रिश्वत मांगी थी। एसएचओ और माई टाइम चौकी प्रभारी राजेंद्र, एसएचओ का नाम गणपतलाल वसीता है, इन्होंने एक परिवादी था माई टाइम का ही, वो कीड़ा का रहने वाला है, उसके एक पड़ोस में चोरी हो गई थी, तो उसने चोरी के उसमें जो संदिग्ध था उसका मोबाइल लेके चौकी पर गया वो कि इससे उसका पता चल जाएगा, उसको पकड़ के ले आएगी पुलिस, वो मदद चाह रहा था, लेकिन उल्टा उसको एसएचओ और ये हेड कॉन्स्टेबल जो है उसको लेके उसको थाने में बिठाया, उसके साथ मारपीट भी की वो जैसा बता रहा था, और उससे 15,000 रुपये की डिमांड मांगी कि तेरे खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करूँगा चोरी का, यदि तुम 15,000 या तो व्यवस्था करो, अदरवाइज मैं तेरे खिलाफ़ चोरी का मुकदमा दर्ज करूँगा। तो इस चीज़ को लेकर मैंने सत्यापन किया, सत्यापन में सत्यापन हुआ, सही तरीके से डिमांड थी। वहीं धौलपुर में जंगलों में बैठकर डकैती की योजना बना रहे 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, साथ ही 7 जिंदा कारतूस समेत अवैध हथियार जब्त किए हैं। दरअसल बदमाश मिलिट्री स्कूल के पास जंगलों में डकैती की योजना बना रहे थे, जिन्हें सदर थाना पुलिस और टीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर धर दबोचा। इसी के तहत सीमा पुलिस अधीक्षक महोदय धौलपुर श्री सुमित मेढ़ा जी ने स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर रखते हुए सभी थानाधिकारी और हमें जो भी टीम है उनको निर्देशित किया गया था कि जो भी जो ऐसे बदमाश है या समाज तत्व है उन पर सघन निगरानी रखें। तो हमारी जो गेस्ट टीम है उससे सूचना मिली थी कि मिलिट्री स्कूल के पास में कुछ हथियारबंद जो बदमाश है और वो डकैती के प्रयास में एकत्रित हो रहे हैं। सूचना पर उच्च अधिकारी को निवेदन करके और सदर थाना की टीम और डीएसटी टीम के द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए हमने कल 5। और अब खबर सिरोही से है, बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर झोलाछाप डॉक्टर कर रहा है मरीजों का इलाज, आमजन के स्वास्थ्य के साथ खुलेआम खिलवाड़। सच बेधड़क की टीम ने ग्राउंड जीरो पर इस झोला छाप डॉक्टर का स्टिंग किया है। झोला छाप डॉक्टर के इलाज करते हुए कैमरे में तस्वीरें कैद हुई हैं। जिला मुख्यालय पर शिवगंज रोड पर क्लिनिक का इस डॉक्टर ने खोल रखा है। चर्म रोग का इलाज करने के नाम पर सेहत से खिलवाड़ ये डॉक्टर कर रहा है। बिना डिग्री डॉक्टर बनकर लंबे समय से इस क्लिनिक चलाई जा रही है। जिम्मेदार स्वास्थ्य महकमा मुख दर्शक बना हुआ है। सच बेधड़क की टीम के स्टिंग की भनक लगते ही झोला छाप डॉक्टर मौके से रफू चक्कर भी हो गया। तो सिरोही की एक खबर है, जहां पर एक झोला छाप डॉक्टर बिना डिग्री के खुलेआम इलाज कर रहा है, चर्म रोग के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहा है, जबकि जिम्मेदार स्वास्थ्य महकमा इस पूरे मामले पर मुख दर्शक बना हुआ है। सच बेधड़क की टीम ने स्टिंग करके इस झोला छाप डॉक्टर का खुलासा किया है। सच बेधड़क की टीम के स्टिंग की भनक लगते ही डॉक्टर मौके से रफू चक्कर हो गया। बीच शहर में एक बिना डिग्री के अपना क्लिनिक संचालित करने वाला ये झोला छाप डॉक्टर खुलेआम कानून को ठेंगा दिखा रहा है। हमारे सहयोगी विक्रम सिंह जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ।
विक्रम, आम जन के स्वास्थ्य के साथ ये सीधे तौर पर खिलवाड़ है। एक डॉक्टर जिसके पास डिग्री नहीं, जिसने पढ़ाई नहीं की, और वो डॉक्टर इलाज कर रहा है, वो भी खुलेआम, किस तरह का मामला है ये बताना चाहूंगा। सिविल जिला मुख्यालय का ये पूरा मामला है, और सिविल जिला मुख्यालय पर महादेव क्लिनिक करके जो स्किन का जो हॉस्पिटल है वो यहाँ पे संचालित किया जा रहा है। और स्किन के हॉस्पिटल में यहाँ पे जो डॉक्टर बनके बैठा है वो झोला साहब है। उसके पास में किसी भी प्रकार की कोई डिग्री नहीं, उसके पास में किसी भी प्रकार का कोई पढ़ाई नहीं, उसके बावजूद वो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ कर रहा है। और ये जिला प्रशासन जो है जिला मुख्यालय पे ये सारी चीजें होते हुए अपने आंखों के सामने देख रहा है। यहाँ पे सीएमएचओ बैठता है, यहाँ पे डिप्टी सीएमएचओ बैठता है, यहाँ पे ब्लॉक सीएमएचओ बैठता है, यहाँ पे कलेक्टर बैठता है, एसपी बैठता है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी भी अधिकारी की तरफ से इसके ऊपर कार्रवाई करने की जो जहमत है वो नहीं उठाई जा रही है। यानी कि ये बहुत बड़ा मिनी बजट का खेल चल रहा है यहाँ पे, जिसके कारण से ये जो पूरा है मामला जो पूरे लोगों के स्वास्थ्य के साथ में जो है खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल विक्रम, ये जो हैरान करने वाली बात है कि इस बारे में आप कह रहे हैं कि अधिकारियों को, लोगों को जानकारी है कि इस डॉक्टर के पास कोई डिग्री भी नहीं है, और बिना डिग्री के डॉक्टर लोगों का इलाज कर रहा है, और ये सीधे तौर पर लोगों को उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि जो लोग इलाज कराने आ रहे हैं उन्हें नहीं पता कि ये डॉक्टर क्या दवाइयां दे रहा है, किस तरह से इलाज कर रहा है, और ऐसे में खुलेआम इस तरीके से क्लिनिक संचालित होना बड़ा सवाल खड़ा करता है पूरे शहर के प्रशासन पर कि वो क्यों मूकदर्शक बनकर बैठे हैं, किस तरह की मिलीभगत चल रही है। विक्रम, जब आप वहां पर पहुंचे तो डॉक्टर वहां से रफू चक्कर हो गया? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा जब हमारी टीम वहां पे पहुंची मौके पे, हम एक बोगस ग्रांट, हमारी टीम का ही एक व्यक्ति था जिसको हमने बोगस ग्रांट तैयार किया वहां पे, और जैसे ही उनको बनक लगी कि कैमरे से कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, वो तुरंत वहां पे बाहर निकल आया। उसने कहा कि मैं अभी 2 मिनट के बाद में आता हूँ, उसके बाद में वापस वो वहां पे क्लिनिक से भाग गया, उसके बाद में वापस वो वहां पे नहीं आया। यानी कि कुल मिलाकर के जब हमारी टीम को देख करके वो वहां से भाग सकता है, वो सारी चीजें कर सकती है, तो प्रशासन की टीम है वहां पे जा करके उसको दबिश देकर के पकड़ भी सकती है, रंगे हाथों वहां पे इलाज करते हुए उसको पकड़ सकती है। लेकिन ये मिली भगत नहीं, तो क्या कहें इसको कि जहाँ पे जिला मुख्यालय है, जिला मुख्यालय पर सारे अधिकारी बैठते हैं, उसके बावजूद भी लोग बिल्कुल विक्रम क्लिनिक देखकर जो तस्वीरें समझ आ रही हैं, अच्छा खासा बड़ा क्लिनिक डॉक्टर ने खोल रखा है, और सीधे तौर पर कानून को ठेंगा दिखाकर ये डॉक्टर इलाज कर रहा है। सवाल कानून, प्रशासन और डॉक्टर सभी से किया जाना चाहिए। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अब खबर दौसा के सिकराय से है, जहां पर डोलिका गांव में पानी की टंकी पर चढ़े 4 युवा भंडारी बांध में आ रहे पानी को रोकने पर ये लोग नाराज हैं। प्रशासन ने गांव के पास में बने एनीकट की मिट्टी की दीवार को तोड़ा है, अब ये 4 युवा गुस्से में पानी की टंकी पर चढ़ गए। डोलिका गांव की पानी पर की टंकी पर चढ़ना कहीं ना कहीं इन युवाओं के गुस्से को बताता है। प्रशासन ने गांव के पास में बने एनीकट की मिट्टी की दीवार को तोड़ा, बांध में आ रहे पानी को रोकना इन युवाओं को परेशान कर रहा है, और अब अपने गांव की आवाज बनकर ये युवा पानी की टंकी पर चढ़ गए। और अब खबर सिरोही के रेवदर से है, जहां पर ग्रामीणों ने मोटर बेचने आए 2 संदिग्ध युवकों को पकड़ा है। भागने की कोशिश करते युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ा, दोनों युवकों को ग्रामीणों ने अनादरा पुलिस को सौंपा है। चोर होने के शक में दोनों ही युवकों को पकड़ा गया था। सिरोही गांव का ये मामला बताया जा रहा है। सिरोही के रेवदर से खबर, चोरी के शक में 2 संदिग्ध युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया।